गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और मैंने अभी ना साइंस की एक सुपर सीरीज स्टार्ट की है जो स्पेशली उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिन्हें ये नहीं समझ में आता कि हमें हमारे एनसीईआरटी के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं या फिर जब रिवीजन होती है एग्जाम टाइम से पहले तो उस टाइम पे क्या चीजों को छोड़ना है, क्या चीजों को पढ़ना है। मतलब जो एनसीईआरटी का अगर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूँ उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं पढ़नी होती है। उनमें से कौन सी वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्पफुल है, कौन से पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये जो सारे क्वेश्चंस या जिस भी किसी स्टूडेंट को इन सब में वीकनेस है तो उनके लिए मैं एज अ जिनी बनकर आई हूँ कि आपने एक विश मांगी और वो पूरी हो गई। तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ये इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी मैं, जिस तरीके से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। और प्लस लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले जो लास्ट टाइम की जो रिवीजन होती है उसमें क्या चीजों को पढ़ना है, कितनी चीजों को छोड़ना है, ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इन मेरी इन वीडियोस की सीरीज को देख के जो मैंने सुपर सीरीज स्टार्ट करी है इसके बाद में। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना करिए ताकि सब स्टूडेंट्स तक, आपके फ्रेंड्स तक, नॉन पर्सन्स में, दुश्मनों में, दोस्तों में, सब जगह मेरी वीडियो जा सके। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं आपको चैप्टर फर्स्ट करवा रही हूँ केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे पहले मैंने जैसे दो पार्ट्स में आपको एनसीईआरटी के वन बाय वन नोट्स प्रोवाइड करे हैं, मतलब वर्ड टू वर्ड मैंने जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चाहे आपके वो फिगर्स में गिवन है, ठीक है, या आपका डू यू नो वाला कॉलम है जिसको हम स्किप कर देते हैं, तो ये सारी चीजें मैं इसमें कवर कर रही हूँ आज। अब जो है ना ये वीडियो का थर्ड पार्ट है, इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट जो मैंने आपको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करवाया था वो फर्स्ट इंटेक्स तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आपके फर्स्ट इंटेक्स में थ्री क्वेश्चंस गिवन है, उससे पहले का मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया था। अब एक नया टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कि जब ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे पास कितने टाइप की रिएक्शंस हैं, कितने टाइप के रासायनिक समीकरण हैं, क्या उनके यूजेस होते हैं। सो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि जब भी हम रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमने एक चीज देखी होगी, एक साइड होती है रिएक्टेंट जिसको अभिकारक कहते हैं और एक साइड होती है प्रोडक्ट जिसको कि हम उत्पाद कहते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो रिएक्टेंट वाले साइड पे जो एलिमेंट्स है वो ऑलमोस्ट एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट वाली साइड पे भी होते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो रिएक्टेंट है या फिर जो प्रोडक्ट है तो पूरी जो रिएक्शन है उसमें जो आपने एलिमेंट्स को यूज किया या जो एटम्स को आपने यूज किया तो वो कहीं पे भी गायब नहीं हो जाते हैं, ना वो एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली जब आप रिएक्शन की बात करते हैं तो एग्जैक्टली पढ़ते क्या है, जब वो एटम्स वाले एलिमेंट्स जो है वो ना तो कहीं पे गायब हो रहे हैं, ना कहीं से बाहर से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, और ना ही वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फिर वो जा कर रहे हैं। तो जब भी हम रिएक्शन, जब भी रासायनिक समीकरण हम पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली हम फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स पढ़ते हैं, मतलब या तो बॉन्ड बनता है या फिर बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड मतलब कि आबंध होता है, ये बनने और ब्रेक होने से ही रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट होती है। तो बेसिकली जब भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम फॉर्मेशन या फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स पढ़ते हैं। आज जो मैं आपको करवाऊंगी वो उसी का एक कंटिन्यू पार्ट है कि हमारे पास कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, कितने टाइप्स में हम रिएक्शंस को डिवाइड करते हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, विद एग्जांपल मैं ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगी। स्टिल कोई भी आपको डाउट होता है तो आप वीडियो में फटाफट से मुझे कॉमेंट करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो लाने का बहुत जल्दी ट्राई करूंगी, ठीक है। अब आपके पास में देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपके पास टोटल ये टाइप्स कितने हैं, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन, सेकंड है डीकम्पोजिशन, थर्ड है एक्सोथर्मिक, नंबर फोर इज एंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है ये कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन का ही एक पार्ट है। तो बेसिकली आपके पास कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टोटल सिक्स टाइप्स है। कई बुक्स में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इसको एज अ रेडॉक्स भी लिखा हुआ है, तो दोनों उसी में कैलकुलेट हो जाते हैं, अदरवाइज आपके पास ऐसे सेपरेट सेपरेट भी डिफरेंस दे रखे हैं। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको सबसे पहला वाला टाइप समझाऊंगी जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्लस इसी का ही एक पार्ट होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों को मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। अब स्टार्टिंग करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है गाइस। तो आप देखिए आपकी ना एनसीईआरटी में एक चीज आपने देखी होगी, ये फिगर 1.0। सो
फिगर 1.3 आपने ये बुक में एनसीईआरटी में आपकी बनी हुई है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट इंटेक के जस्ट नीचे ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें बेसिकली क्या चीज दिखा रहे हैं कि एक बिकर लिया हुआ है जिसके अंदर वाटर डाला हुआ है, वाटर के अंदर क्या डाले हुए हैं कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये जब रिएक्ट करता है तो उसके टाइम पे आपको क्या मिलता है, तो आंसर है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन किस तरीके से ये चीज हुई, अब देखिए जैसे आपको वैसा फिगर 1.3 उसमें एक स्टेटमेंट लिखी है फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन। स्लेट लाइन को क्या कहते हैं, स्लेट लाइन को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कई बार क्या होता है जो रिएक्शन है या फिर जो कंपाउंड है उसका केमिकल नेम और कॉमन नेम दोनों आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों को लर्न करना है। इसमें मैं आपको दो नाम बताऊंगी, फर्स्ट है स्लेट लाइन जिसको कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नंबर सेकंड पे है क्विक लाइन जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaO का मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं क्विक लाइन एंड वॉटर। जब आप इसमें क्या बोला गया है कि जब वाटर को और कैल्शियम ऑक्साइड को मींस कि क्विक लाइम और वाटर को विग्रसली रिएक्ट किया जाता है, मतलब कि वाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को रैपिडली मिलाया जाता है। विग्रसली का मतलब होता है बहुत ही स्पीडली उसको उसमें मिक्स करना, ठीक है। तो जब वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया जाता है तो आपको क्या चीज मिलेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लेट लाइन कहते हैं, प्लस बहुत सारी एक्सेस में हीट। इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक्टिविटी गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने रिएक्शन लिखी, फर्स्ट क्या है CaO, ये ना स्पेस थोड़ा कम था इसलिए मैंने नीचे लिखी है, अदरवाइज ये पूरी ऐसे रिएक्शन है। फर्स्ट क्या दे रखा है CaO, CaO मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसका दूसरा नाम क्या होता है क्विक लाइम, ठीक है, प्लस वाटर, वाटर के साथ में इसने क्या किया रिएक्ट। अब देखिए CaO, अच्छा जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनमें ना इनकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये वाला पॉइंट है, इसकी स्टेट कैसे चेंज हुई, देखिए यहाँ पे क्या है CaO जो कि किस फॉर्म में है, सॉलिड में, प्लस वाटर जो कि क्या है लिक्विड, इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिला CaOH2 जिसे हम कहते हैं स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप पॉइंट में लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको CaOH मिला और ये किस फॉर्म में, एक्वस में, मतलब यहाँ पे ये सॉलिड था कैल्शियम ऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट होकर आपको एक एक्वस वाला कंपाउंड मिला। एक्वस का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका वाटर के साथ में क्या हुआ है, सॉल्यूशन बना है। तो यहाँ पे आपने ऊपर देखा कि जो सॉलिड है उसको वाटर के अंदर क्या किया गया है, डिजॉल्व किया गया है, ठीक है। सो CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, इन दोनों से आपको क्या चीज मिलती है, स्लेट लाइन जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में बहुत सारी हीट रिलीज हुई है। तो ये जब आप यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे कि दो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने मिलके आपको एक कंपाउंड मिला दिया या एक प्रोडक्ट दिया, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ये वो टाइप की रिएक्शन होती है जिसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट भी मैंने, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। समझने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दो रिएक्टेंट्स हो गए और आपको एक प्रोडक्ट मिला, प्लस में बहुत सारी हीट रिलीज हुई, ठीक है। अब इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि आपके पास में बहुत सारी हीट रिलीज हुई, यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि हीट प्लस हीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। अब ये जो दोनों चीजें ना मैंने आपको यहां से एक चीज समझाई, एक कॉम्बिनेशन और एक हो गया एक्सोथर्मिक, ये दोनों एक ही टाइप की रिएक्शंस में आती है। अब इसको मैं और ज्यादा एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अब जो नेक्स्ट आपके पास में, जैसे मैंने अभी आपको ना एग्जांपल दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये टाइप होता है जिसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। सबसे पहली चीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें आपके पास में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मीन्स की संयोजन अभिक्रिया, और जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक मीन्स की ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब आप इसमें देखें, मैं एग्जांपल से दोनों को समझाती हूँ। ये जो है ना दोनों एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया, बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मतलब क्या है, किसी भी टाइप का ईंधन, वैसे कोल कोयले को यहाँ पे बोला गया है, लेकिन जो ईंधन का दहन होता है, जलना होता है, वो भी क्या होता है कंबशन, ठीक है, तो उसको भी क्या कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसमें सी मतलब कार्बन जो कि किस फॉर्म में हो गया सॉलिड में, प्लस O2 ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि क्या हो गई गैस।
अभी तक आपने ना इतनी साइंस में एक चीज कॉमन पढ़ी होगी कि जब भी हमें कोई चीज जलानी होती है, किसी चीज का दहन होता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन क्या है? सॉलिड। इसको अगर जलाना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की। ठीक है, दोनों को मिक्स करा, जब रिएक्ट हुई तो आपको क्या चीज मिली? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, जो कि क्या होती है? ऑलरेडी एक गैस होती है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? 2H2। ठीक है, 2H2 गैस, जो कि गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों में रिएक्शन हुई तो आपको क्या चीज मिली? वाटर, जो कि किस फॉर्म में है? लिक्विड। अब यहाँ पे जो मैंने 2, 4 ऐसे जो इसके आगे नंबर लिखे हुए हैं एलिमेंट्स कंपाउंड्स के आगे, तो वो बैलेंसिंग है। प्रीवियस वीडियो में मैंने चीज समझाई थी कि बैलेंसिंग क्या होती है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस होती है, कौन सा लॉ उस पर अप्लाई होता है। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, जिसमें मैंने साइंस की एक सुपर सीरीज स्टार्ट करी हुई है। इसमें मैं आपको हर एक चैप्टर के NCERT के वर्ड टू वर्ड नोट्स बनाने में हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपके पास? कॉम्बिनेशन। इसके बाद में मैंने एक वर्ड यूज किया, एक्सोथर्मी, जिसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो वो क्या चीज होती है? देखिए, कई बार क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है ना वो इवॉल्व होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने देखा तो काफी अमाउंट में हीट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। इससे क्या होता है, जो रिएक्शन होती है ना वो क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है। तो जब कभी भी रिएक्शन में रिलीज होगी क्या चीज? हीट। जब हीट रिलीज होगी, ऊष्मा निकलेगी बाहर, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट बनने के बाद में हीट क्या होती है? रिलीज होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब आप नेचुरल गैस की बर्निंग करेंगे तो इसका एग्जांपल है किस चीज का? एक्सोथर्मिक का। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कहते हैं CH4, जो कि क्या है? गैस की फॉर्म में, 2H2 वो ऑक्सीजन भी क्या है? गैस, गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये जो नंबरिंग है ये अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये चीज मैंने इसमें बैलेंसिंग के लिए लगा रखी है। तो आई होप आपको कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो एक्सोथर्मिक है, इसी में देखिए, हमें जैसे खाना चाहिए होता है, खाना फूड मटेरियल हम लेते हैं किसके लिए? जिंदा रहने के लिए। तो वो क्या है, जो खाना आपकी बॉडी में जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है। आपका जो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, उसमें आपको बता रखा है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी की सेल्स में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो आप खाना खाते हैं, जिस खाने को आप डाइजेस्ट करते हैं, वो भी एक प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक का। ठीक है, आई होप मैंने आपको जो ये पॉइंट्स हैं ये काफी हद तक क्लियर करे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।